गुड आफ्टरनून बच्चों, जो हमारी इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन चल रही है उसका फर्स्ट मैं आपके पास सिलेबस के बारे में बता देती हूँ बेटा कि कैसे सिलेबस आता है और क्या क्या इसमें पॉइंट्स आते हैं। ये जो एग्ज़ाम है ना बेटा, ये आपका होता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का एग्ज़ाम्स होता है आपका? 50 मार्क्स का। और ये जो 50 मार्क्स हैं ये इन्होंने अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर रखे हैं। फिफ्थ और टेंथ क्लास है 50 मार्क्स का आपका, और जिसमें से आपके अवर बॉडी हेल्थ प्लांट्स एनिमल्स इंडिया एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी ये सारी कंजर्वेशन लैंग्वेज लिटरेचर अभी हम जो करते आ रहे हैं उनके साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट्स के लिए स्पोर्ट्स इवन कुछ मैथ्स की फ़न एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होती हैं। और इसके साथ साथ कुछ लाइफ स्किल्स मॉरल वैल्यूज़ नैतिक मूल्यों के ऊपर भी इसमें दिया जाता है आपका स्किल्स के लिए कि मॉरल वैल्यूज़ के बारे में आप कैसे सोचते हो। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसके नीचे आपके रीजंस दिए जाएंगे कि आप इसके बारे में क्या समझते हो, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटीज़ के बारे में, लचीलापन उस मॉरल वैल्यूज़ में कैसा पाया जाता है आपका, आप एक टीम में कैसे वर्क करते हो इस टाइप का आपका, आपके टीम वर्क में आपकी लीडरशिप कैसी है, कितने टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का है, ये सारा। इसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स, क्या आता है बेटा, कुछ करंट अफेयर्स का इसमें शामिल होता है आप लोगों को। और इसी तरह से ये ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम्स होता है ये आपका नेशनल राष्ट्र के राष्ट्र से भी आपके जोन्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद बाद इंटरनेशनल भी होता है। इंटरनेशनल में भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस निकाली जाती हैं, वैसे ही आपके नेशनल में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन निकाली जाती हैं। आपको एक सर्टिफिकेट्स दिया जाता है, मेडल दिया जाता है गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज। क्वेश्चन आपके आएंगे 50 मार्क्स के, 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये फॉर्म आपका पेपर आपको करना है। तो अभी COVID-19 में मे बी ये डेट्स पोस्टपोन हो जाएंगे बेटा, या मे नॉट बी, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वरना ये जो डेट है आपकी इसकी इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड्स की ये बेटा आपके 20 या 21 अक्टूबर के आसपास, और सेकंड फेज जो है उसका वो आपके नवंबर में 15-16 नवंबर। तो इसका मतलब हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम इन क्वेश्चंस को अपलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। कहाँ से? अपने यूट्यूब चैनल से, टीचर से, आपके चैप्टर से। हमें पता तो चल ही चुका है कि हमारी जो साइंस है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, हमारी एसएस है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इवन हमारे स्पोर्ट्स वगैरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सभी कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक, सबको इतना समझ में आ गया, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया। किसी भी राष्ट्र के लिए उसके कुछ सिम्बल्स होते हैं, कुछ पहचान होती हैं जिससे क्या उस राष्ट्र को जो प्रतिबिंब करती है, ठीक है, कि इस राष्ट्र का ये कॉइन है या इस राष्ट्र की ये मुद्रा है आपकी, या इसका फ्लैग है या इसका नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एम्बलम है, ये सब कुछ ऐसा ही ना। तो भारत में भी ऐसा ही है बेटा। भारत का फ्रीडम का हमें पता है कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। ऐसे ही 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक घोषित किए गए, गणतंत्र घोषित किया गया हमारा, ठीक है, संविधान बनकर तैयार हुआ। तो ये सारी चीज़ हम इसमें करते हैं। तो इसका मतलब हमारे राष्ट्र के पास कुछ प्रतीक होंगे जिससे हम बाहर दिखा सकते हैं कि हम इसको डिस्प्ले करते हैं किसके रूप में भारतीय। जैसे ओलंपिक गेम्स देखते हो, कोई भी गेम देखते हो, जब इंडिया की बारी आती है आप देखते हो वो जो प्लेयर्स हमारे क्या लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, फ्लैग। किसका? अपनी कंट्री का। तो उसे क्या बोलेंगे हम? नेशनल फ्लैग, ठीक है बेटा, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ध्वज, जिसे इंग्लिश में ट्राई कलर्स बोलते हैं, हिंदी में तिरंगा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? तिरंगा। और पिक्चर से भी हमें शो हो रहा है कि ये हमारे तीन रंग का पाए जाने वाला ध्वज है। कितने रंग के पाए जाने वाला? तीन रंग का, जिनका अपने आप में एक पहचान है कि सेफ्रन कलर कैसे, वाइट कैसे, ग्रीन कैसे, ठीक है। नेक्स्ट वन, आप लोग फ्लैग अच्छे से देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ट्राई कलर्स विद इक्वली साइज्ड डीप सेफ्रन एट टॉप एंड वाइट इन मिडल, इंडिया ग्रीन एट बॉटम, ठीक है। सेंटर में नेवी कलर का, इसमें ब्लू, नेवी ब्लू कलर का व्हील है जिसमें 24 स्पोक्स हैं, जो हमें जानते हैं अशोका चक्र से, सारनाथ के स्तंभ से, जिसने हमें जिसको हमने ले रखा है। जो फ्लैग है ये बेस्ड है बेटा स्वराज फ्लैग के डिज़ाइन से, किसने किया? पिंगली वेंकैया ने। किसने किया? पिंगली वेंकैया ने। अब हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमने कब अपनाया था बेटा? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था?
22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा संविधान सभा ने क्या किया, इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। किसको? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। अब हमने पढ़ा रेक्टेंगल, अब आयतन इसके इसका आकार पूछा जा सकता है। तो आकार है बेटा इसका 3:2। क्या आकार है बेटा इसका? 3:2। इसका अनुपात बेटा 3:2 है कि लंबाई के अनुसार तो आपकी है इसमें 3 और चौड़ाई के अनुसार है 2। ठीक, आगे करते हैं। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, आप लोगों को सही अच्छे से दिख रहा है ना? नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ये हमारी कॉइन्स पे भी पाया जाता है और जितने भी राजपत्र से संबंधित राजनीतिक जो अधिकारी होते हैं, राजनीतिक कार्य जो किए जाते हैं वो भी, और हमारी जो मोहरें हैं उनके ऊपर भी आपका ये एम्बल, ये प्रतीक पाया जाता है। कहाँ से लिया हमने ये? लोयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, द डे इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक, फॉर्मिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एम्बलम इन मोटो इंस्क्राइब्ड बिलो द अबाकस इन देवनागरी स्क्रिप्ट, सत्यमेव जयते इंग्लिश में ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, ए कोटेशन टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ स्केयर्ड हिंदू वेदास। वेद आप लोगों ने रीड किए होंगे बेटा? नहीं, नहीं किए होंगे अभी, अब दादी वगैरह से नानी वगैरह से सुना होगा वेद के बारे में कि हमारे कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। तो ये जो आपका नेशनल एम्बलम्स है ये कहाँ से अडॉप्ट किया हमने? कैपिटल लोयन कैपिटल ऑफ अशोका से, जो कहाँ है? सारनाथ संपर है, ये हमने किया। और कब? 26 जनवरी 1950। कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। हाउ मैनी लॉयंस इन दिस पिक्चर? मुझे बताओ आप लोगों को इस पिक्चर में कितने शेर दिखाई दे रहे हैं, ये भी आप लोगों को मेंशन करना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या लिखना है कि जो आपका नेशनल एम्बलम है उसमें लॉयंस के साथ साथ और कौन कौन सी आकृति उसके ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है बेटा? और देवनागरी किसकी लिपि है? देवनागरी किसकी लिपि है ये भी आप लोगों को मुझे बताना है, आप नीचे आपका मेंशन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान जनगण मन। क्या है आपका? राष्ट्रीय गान जनगण मन, सभी स्कूल मॉर्निंग असेंबलीज में गाया जाता है ना, स्कूल के मॉर्निंग असेंबली जब होती है आपकी तो नेशनल एंथम आपका जो है वो हमेशा गाया जाता है। इवन आपने देखा होगा 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी, ठीक। और इसके साथ साथ कोई भी आर्मी पर्सन है जब वो शहीद हो जाता है तो उसके श्रद्धांजलि के रूप में भी किसको गाया जाता है? ये आपका नेशनल एम्बलम श्रद्धांजलि के रूप में भी गाया जाता है। या आप जब आपको ऑनर दिया जाए, सम्मान दिया जाए आर्मी में आपके, तब भी इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। जनगण मन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फर्स्टली बेटा ये कौन सी लैंग्वेज में था? बंगाली भाषा में। रविंद्रनाथ टैगोर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने जब जनगण मन पहली बार लिखा तो वो लैंग्वेज थी बेटा बंगाली। कौन सी थी? बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में इसका वर्णन किया गया था। लेकिन जब इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अडॉप्ट किया, भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया, कब? 24 जनवरी 1950 को। तो इसका वर्जन था बेटा हिंदी। कौन सा वर्जन था बेटा इसका? हिंदी, हिंदी भाषा में, ठीक है बेटा, ठीक। रविंद्रनाथ टैगोर की एक फेमस बुक है, उसका नाम आप लोग बताओगे कि रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस बुक कौन सी है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में है, इसके बाद और पूछती हूँ, पहले नहीं। जो ये नेशनल एंथम है इसको हमने अपनाया तो बेटा 24 जनवरी 1950 को है, लेकिन नेशनल एंथम को कलकत्ता अधिवेशन में, कब? कलकत्ता अधिवेशन में, कोलकाता में जब
आपका वो हो रहा था असेंबली हो रही थी कलकत्ता अधिवेशन में, वो अभी टाइमिंग भी पूछना है ना, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमारा राजनीतिक दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका अधिवेशन चल रहा था, कब कब चल रहा था बताओ मुझे, 27 दिसंबर 1911 को, कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया, क्या किया गया, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में हमारे राष्ट्रगान को नेशनल एंथम को गाया गया था। अब एक क्वेश्चन और है आपका, इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आपके, फिर आप बोलोगे ना बोल बताया नहीं मैडम। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की बुक का क्या नाम है जो बहुत फेमस हुई थी बेटा, उसके बाद मैं और भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है हमारी, कितनी देर में पूर्ण रूप से ये गाया जाए, मतलब जो हमने समावेशन जिसका कर रखा है राष्ट्रीय गान का उसकी अवधि, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये क्वेश्चंस आपको लिखने, जो एक नया क्वेश्चन आया था कि पहली बार कब गाया गया वो मैंने आपको बता दिया है कि बेटा कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में इसको पहली बार गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, द फर्स्ट वर्सेस ऑफ वंदे मातरम बाय बंकिम चंद्र चटर्जी वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इन 1950। अब आपसे पूछा भी जा सकता है हु रोट द नेशनल सॉन्ग, तो आ गया आपका क्वेश्चन। अभी मैंने कहा कि आप किसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और ये जो है 1950 जो है इसमें आएगा बेटा आपका 24 जनवरी 1950 को हमारे इस भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया। ठीक है, इसका इसको भी जैसे हमारे राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था कब 1911 में, वैसे ही वंदे मातरम को भी 1896 के सेशन में, किसके 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था उसमें गाया गया। अब मुझे ये क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को कि ये सेशन था कहाँ, क्या करना है, ये जो सेशन था आपका किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये जो अधिवेशन था ये आपका 1896 में तो है लेकिन था कहाँ पर, वो प्लेस का नाम आप लोगों को इसमें लिखना है। इतना समझ में आया बेटा, चलो नेक्स्ट करते हैं। ओथ, जो मॉर्निंग में हम क्या करते हैं प्रेयर टाइम में सभी लोग करते हैं, इसके साथ साथ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे जो राष्ट्रपति हैं या हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पर वर्किंग पीपल है वो इसका प्रण हमेशा लेता है बेटा। आर्मी लगा लो, आपके आपके आईएएस लगा लो, एचसीएस वगैरह लगा लो, वे सभी क्या लेते हैं, एक शपथ लेते हैं किस प्रकार से, भारत मेरा देश है, हम सब भारतवासी हैं और मुझे अपने, हम क्या कहते हैं, मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं अपने देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए, इसके अखंडता को बनाए रखने के लिए जिस भी पोस्ट पर ये कार्य, जिस पोस्ट पर कार्य कर रही हूँ उससे कभी भी भारत की अखंडता और एकता को हानि नहीं पहुँचाएंगे, इस प्रकार की शपथ लेते हैं ना, तो वैसे ही प्रतिज्ञा इसमें है आपकी। लेकिन ये प्रतिज्ञा आई कैसे भारत में, किस प्रकार से, ये इसके पीछे कारण क्या है, इट वॉज रिटन इन तेलुगु, कौन सी भाषा है बेटा, तेलुगु में, पेदामरी वेंकटेश सुब्बाराव पी वी सुब्बाराव के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा बेटा, पी वी सुब्बाराव के द्वारा, कब 1962 में, कब 1962 में। उसके बाद एक हमारा है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन,
केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड उसने डायरेक्टेड किया कि ये जो प्लेज है ना, हमारी शपथ है, ये मॉर्निंग असेंबलीज में गाई जाए, एवरी स्कूल्स में, प्रत्येक स्कूल में मॉर्निंग असेंबली, सुबह की प्रार्थना सभा में इसको गाया जाए और ये इंट्रोड्यूस की जाएगी। उसके बाद कहाँ पर, 26 जनवरी 1965 की परेड में, जो गणतंत्र दिवस की जो हमारी परेड होती है उसमें 26 जनवरी 1965 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु, देखो कितना शान लग रहा है ना, बैठा हुआ भी लग रहा है ना, सभी को दिख रहा है अच्छे से, देखो तो राष्ट्रीय पशु के रूप में हमने किसे अपनाया है, रॉयल बंगाल टाइगर, किसको अपनाया बेटा, हाँ रॉयल बंगाल टाइगर, सबको पिक्चर अच्छे से दिख रही है, हाँ जी मैम, ये देखो इसके स्ट्रिप्स, ये इसके शो को रीजन करती हैं, किसको दिखाती हैं, इसके जो कलर्स हैं इनको, इनको भी दिखाती हैं। एक बीच में क्वेश्चन अभी आया बेटा कलर्स के नाम से, आपको ये भी मेंशन करना है कि सैफरन कलर जो हमारे नेशनल, हाँ राष्ट्रीय उसमें है फ्लैग, नेशनल फ्लैग में, वो किसको शो, क्या प्रतीक है, ठीक है ना, उसके पीछे क्या रीज़न है, नेशनल कलर ही हमने क्यों लिया, वाइट किस चीज़ को शो करता है और ग्रीन किस चीज़ को शो करता है, ठीक है। 24 आवर्स को तो आपकी जो सर्कल है वो शो कर रही है, इसके साथ साथ प्रत्येक रंग का अपना अपना क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, या अपना अपनी पहचान होती है। आपको ये बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सैफरन कलर है वो केसरिया रंग क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसके साथ साथ सफ़ेद जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, ग्रीन जो है वो क्या दिखाता है, ठीक है। इसके बाद चलो नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल क्या होते हैं, विशेष, ये बीच में आ जाता है बेटा। द नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, द लार्जेस्ट कार्निवोर, इज फाउंड ओनली इन द इंडियन। आप साइंस का मैंने अभी बताया है कि आपके इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड्स में आपके साइंस के संबंधी भी आएगा, अब यही वर्ड है बेटा कार्निवोर, हर्बीवोर भी होते हैं, ओमनीवोर भी होता है, तो आप मुझे ये मीनिंग बताओ कार्निवोर क्या होता है, कार्निवोर क्या होता है बेटा, मांसाहारी, ठीक है, और हर्बीवोर, हब्स, इतना ही लिखते हैं, चलो इतना ही है हब से, और ओमनी मैम ये शाकाहारी और ये बोथ, जो दोनों खाते हैं, ठीक, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। तो जो बंगाल टाइगर है वो लार्जेस्ट कार्निवोर है, इज फाउंड ओनली इन इंडिया, कुछ सब कॉन्टिनेंट्स भी हैं जहाँ पर भी ये पाया जाता है, कुछ क्षेत्र हैं भाग किसके, भारत के, उन रीजन्स में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल फ्रूट क्या दिख रहा है आप लोगों को, आम, बिल्कुल ठीक है बेटा, राष्ट्रीय फल जो है वो है मैंगो, ठीक है ना, और अभी सीजन में चला भी बहुत ज़्यादा हुआ है, सभी बच्चे खाते भी है ना, खाना भी चाहिए, बहुत अच्छा है, पोषक है हमारे लिए ये मैंगो, ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड द कंट्री इज होम टू मोर देन 100 वैरायटी ऑफ द फ्रूट्स, 100 से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती हैं, किसकी, मैंगो की, कहाँ पे, विश्व भर में, भारत में भी, और इसका ओरिजिनल नाम क्या होगा, कई बार कहे देखते हो ना आप ऐड में, रसीलाम, स्वास्थ्य टेस्टी आम, कुछ और इस तरह से, या आपकी फ्रूटी की जब ऐड आती है उसमें भी 3 या 4 टाइप के नाम बताए जाते हैं आम की प्रजाति के, तो आपको इसका क्या लिखना है, रियल नेम जो हमने अपना, रियल में तो मैंगो ही है लेकिन मैंगो का भी जो वो है ना स्पीस प्रजाति, वो इसमें लिखनी है आपको बेटा, किस प्रजाति से या किससे संबंधित है ये आते हैं आपकी, उसके बारे में आपको इसको लिखना है कि माँ आम के, या इसका जो विशेष नाम हमारे संविधान के द्वारा रखा गया है, थोड़ा बहुत काम आप लोग भी किया करो ना, वो आप लोगों को इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपका नेशनल बर्ड,
देखो कई बार हम सोचते हैं क्यों अपनाया गया इनको, अभी अब जो भी पिक्चर्स आती है ना वो बिल्कुल ही एक अलग से कलर से इंडिकेट करती है और हमें अट्रैक्ट भी करती है, इंडिकेट कर रही है ना उसी चीज़ को अट्रैक्ट। अब मोर को देखो, देखो कितना अच्छा लगता है पिक्चर से ही, ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। तो एक राष्ट्र को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर भी ये इतने अट्रैक्टिव लगेंगे जितना अभी हमें लग रहे हैं। ठीक है भाई, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में क्या है, मोर इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है मैडम, ए बर्ड इंडिजिनियस टू द सब कॉन्टिनेंट्स, पिकॉक रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ विविड कलर। विविड क्या होते हैं, बहुत आयत। आपने भी फोटो देखी ना जिसमें बहुत ज्यादा कलर हो और पर्टिकुलर कलर बिल्कुल अच्छे से उसको डिफाइन कर रहा है, एंड फाइंड्स रेफरेंस इन इंडियन कल्चर। ये जो विविध विविड कलर हैं, कलर्स हैं आपके, बहुत ज्यादा मात्रा में रंगों का प्रयोग है, ये क्या बता रहा है बेटा आपको, भारतीय संस्कृति को। क्योंकि भारतीय संस्कृति भी क्या है, विविधता में एकता का रूप है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का समावेशन भारतीय उसमें सभ्यता में है, भारतीय संस्कृति में है, और फिर भी क्या दिखाते हैं, भारतीयता ये क्या होगी, एकता के रूप में आपको प्रदर्शित करती है। ठीक है बेटा, नेशनल रिवर, आप कभी गए होंगे हरिद्वार, गए या फिर इंडिया में एक वो है क्या कहावत कि जब पूरे वो कर लेंगे ना, जब हमारे पापों का घड़ा भर जाएगा तो उन घड़ों को कम करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, उन पापों के घड़ों को कम करने के लिए, उनको साफ करने के लिए कहाँ जाएंगे, गंगा मैया के पास, है ना, गए हो कभी, ठीक है वेरी गुड, गए हो। तो नहीं भी गए हो तो आप पिक्चर्स देख के इतनी शांति मिल जाएगी आप लोगों को कि रियल में लगेगा कि हम एक्चुअली वहीं पर ही हैं। ठीक है बेटा, तो हमारी राष्ट्रीय नदी है बेटा गंगा, इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ब्रह्मपुत्रा भी है बेटा। ठीक है, जैसे फ्लो वगैरह में करते हैं, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया विद द मोस्ट हैवीली पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। द रिवर इज रिवर्स बाय रिप्रेजेंटेड बाय हिंदू एज द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑन द अर्थ। हिंदू धर्म की सबसे क्या धार्मिक नदी के रूप में हम गंगा को जानते हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारी क्या है, एक सेक्रेड रिवर है जो क्या करती है, हमारी पवित्रता को शो करती है। किसको शो करती है, हमारी पवित्रता को शो करती है। ठीक है भाई, किसकी पवित्रता, हिंदुओं की, कि हिंदुओं के जन्म के बाद और मृत्यु तक उसको प्योरिटी कौन प्रदान करता है, गंगा, कौन करता है बेटा, गंगा नदी उसको प्रदान करती है। और क्या करती है गंगा, क्या करती है, डेल्टा भी बनाती है, कहां पे बनाती है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, किस नाम से प्रसिद्ध है बेटा ये, किस नाम से प्रसिद्ध है बताओ ना, आपको ये लिखना है डेल्टा का नाम, यही क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि जो डेल्टा इसके द्वारा बनाया जाता है वो क्या है, कौन सा है, कहाँ बनाया जाता है, और इसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं इस डेल्टा में, जो इसकी अदर नदियाँ हैं ना उन नदियों का नाम भी आपको मेंशन करना है कि गंगा के साथ साथ ये सारी नदियाँ मिलकर भी क्या बनाती हैं, अपना डेल्टा बनाती हैं। वो डेल्टा कहाँ है, ये प्लेस का नाम आपको, और कौन सा डेल्टा ये आपको इसमें मेंशन करना है बेटा। ठीक है, अब गंगा जो नदी है इसको कब डिक्लेयर किया गया नेशनल रिवर के रूप में, कब डिक्लेयर किया गया भाई नेशनल रिवर के रूप में, 4 नवंबर, कब बेटा, 4 नवंबर 2008, कब किया गया था, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को डिक्लेयर किया गया था भारतीय या राष्ट्रीय नदी के रूप में। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे 2008 में, अभी इसी से क्वेश्चन हो गया आपका
कि जब 2008 में जब गंगा नदी को राष्ट्र नदी के रूप में घोषित किया गया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन कार्यरत थे, आपको उसका नाम लिखना है। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है। नेशनल ट्री, राष्ट्रीय वृक्ष, क्या दिख रहा है ये? बेनिन ट्री, इंडियन बेनिन ट्री। बेनिन क्या होता है? बरगद बेटा, बरगद ही है ना। ठीक है, अब देखो इसकी यूजेस बहुत सारे हैं आपके। बचपन में हम छोटे थे तो जैसे हमें नीम के लिए बताया जाता था ना, वैसे ही कोई स्किन डिजीज हो जाती तो हमारी दादी वगैरह हमें क्या कहती, जो इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, पेड़ की जो छाल होती है, उसको लाकर और उसको रगड़ कर क्या कहते हैं, स्किन डिजीज के ऊपर लगा देते थे। ठीक है, इसीलिए उसको जितने भी हमारे प्राचीन काल में जो व्यक्ति थे वो जब बीमार होते वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाते। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते वो, और नेचुरल चीज़ों का यूज़ करोगे आप, नेचुरल थे उसका, तो जल्दी से जल्दी आप ठीक भी हो जाओगे। हो गए नहीं? अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडियन बेनियन रूट्स देमसेल्व्स टू फ्रॉम न्यू ट्रीज एंड ग्रोज ओवर लार्ज एरियाज बिकॉज ऑफ दी, क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स लॉन्गेविटी। दीज ट्रीज आर कंसिडर्ड इमोर्टल एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया। क्या बता रखा है कि भारत में बरगद के पेड़ को क्या माना गया है, एक विशेष माना गया है। आप देखते भी होंगे घरों में हमारी जो माएँ हैं या जो दादी हैं वे इसकी पूजा करने के लिए भी जाते हैं ना, बरगद के पेड़ की। और इसको ऑक्सीजन प्यूरीफायर भी बोला गया। आज के दिन इसके कोविड में बहुत ज़्यादा बताई गई है बातें, बताई गई है नहीं बताई गई है, किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में, कि घरों में पीपल का पेड़ लगाओ, घरों में आप इसका पेड़ लगाओ। तो ये जो इसके रूट्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट होती हैं बेटा आपकी, किसकी, मैनियन ट्री की। और इसको लेजेंड्स इसीलिए माना जाता है क्योंकि हमारी जो नैतिकता है वो उसका एक मुख्य भाग ये है कि पेड़ों को गाँव के जीवन में भी, या जो ये लगा लो एग्जाम्पल के लिए, जब पहले पंचायत होती थी पुराने ज़माने में, आपने देखा होगा, तो मोस्टली मीटिंग किसके शेड में होती थी, पेड़ की शेड में। कोई ग्राम पंचायत वगैरह का केंद्र वो नहीं होता, बोर्ड वगैरह नहीं होता था कि रूम्स बना दिए कुछ और, आज पंचायत करनी है तो क्या करते, गांव का जो बरगद का पेड़ होता वहां पर सभी के व्यक्ति वहां पर एकत्रित होते और वहां पर न्याय किया जाता। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बेनियन ट्री है ये फोकल पॉइंट ऑफ है विलेज लाइफ एंड विलेज काउंसिल मीट्स। और भारत क्या है, कृषि प्रधान राज्य है ना, कृषि प्रधान राज्य। और कृषि प्रधान, कृषि कहाँ पर होती है बेटा, गाँव में होती है। तो ये हमारी परंपराओं को भी शो कर रहा है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल रिवर डॉल्फिन। एक्वेटिक एनिमल क्या होता है, जलीय, क्या होता है बेटा, जलीय। ठीक है, तो कौन सी पिक्चर दिख रही है आपको, डॉल्फिन की। डॉल्फिन के साथ साथ क्या बता रखा है इसमें, रिवर डॉल्फिन। क्या बता रखा है बेटा, रिवर डॉल्फिन, रिवर मतलब नदी में। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन, इसकी प्रजाति कौन सी है, गैंगेटिक डॉल्फिन इज सेट टू रिप्रेजेंट द प्योरिटी ऑफ द होली गंगा रिवर। ये गंगा नदी की शुद्धता को प्रस्तुत करती है, एज इट कैन ओनली सर्वाइव इन प्योर एंड फ्रेश वाटर। इसका मतलब ये कहाँ जीवित जीवन व्यतीत कर सकती है अपना, केवल शुद्ध और ताज़ा पानी में ही अपने जीवन का यापन कर सकती है या अपने जीवन को व्यतीत कर सकती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है ना हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उन्होंने नोटिफाई किया था बेटा 18 मई 2010 को, ये जो नेशनल है इसको अपनाया गया था बेटा 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में घोषणा की गई। और ये भी किस आधार पर, गैंगेटिक डॉल्फिन के आधार पर इसे गंगा नदी के शुद्ध जल में बहने वाली जलीय जीव के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया। और किसके द्वारा, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसने नोटिस किया
कुछ एक्सटर्नल साइट्स को ओपन करके, नई विंडोज़ को ओपन करके, कि जो रिवर डॉल्फिन है वो ही हमारी क्या बनाई जा सकती है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। और इसको कर दिया आपका 18 मई 2010 को अनाउंस नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर क्या है? इंडियन लोटस। क्या है बेटा? इंडियन लोटस, कमल का फूल। कहाँ खिलता है बेटा कमल का फूल? कहाँ खिलता है बेटा बताओ? बेटा कहाँ खिलता है? क्या मैडम, बोला तो ऐसा जाता है कि कीचड़ में खिलता है, लेकिन इसको दिखाई कैसा दिया जा रहा है? बहुत ही अच्छा, यूनिक आपका, ठीक है। चलो इसके बारे में जानते हैं हम। लोटस इज केयर्ड फ्लावर एंड ऑक्यूपाई ए यूनिक पोजिशन इन द आर्ट एंड मिथोलॉजी ऑफ एंशंट इंडिया, हैज़ बीन अ स्पीशियस सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर। किसके बारे में दिखा रहा है? भारतीय सभ्यता के बारे में दिखा रहा है क्या? कि भारतीय सभ्यता में जो है वो धारणाएं सब कुछ अलग पाई जाती हैं। किस प्रकार की अलग पाई जाती हैं? कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के साथ एक अच्छे प्रकार से जुड़ा हुआ है, जुड़ा होता है ना। और आपने कभी उसको देखा है? किसको, कौन सी देवी इसके ऊपर विराजित होती है बताओ मुझे? कौन सी देवी विराजित होती है? होती है नहीं बता तो दो बेटा। हमारे इसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। बोटेक्निकल जो होता है ना, हमारे बोटेक्निकल वाला डिपार्टमेंट सर्वे, उसने इसके ऊपर रिसर्च किया कि नियर अबाउट 47,000 प्रजातियां जो इसमें ज्योग्राफिकल एरिया में इसकी पाई जाती है, अवेलेबल हैं भारत में भी या पूरे विश्व में भी। इसको अपनाया कब गया बेटा, ये आप लोगों को बताना है मुझे। कि राष्ट्रीय फूल को कब अपनाया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है करेंसी, नेशनल करेंसी रुपया। इसको पहले भी हम ऐसे लिखते थे क्या है बेटा? नहीं, ये अभी चेंज हुए हैं। कब किया गया ये चेंज? इंडियन रुपीज ISO कोड INR इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये क्या है? हमारी ऑफिशियल करेंसी है जो रिप्रेजेंट करती है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को। इसके साथ साथ ये करेंसी क्या करती है, किसके द्वारा की जाती है? आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो इंडियन सिंबल्स है ये डिराइव्ड करता है कौन सी लिपि को? देवनागरी लिपि को। कौन सी को? देवनागरी को। जो लेटिन लेटर है उसको करता है आर से, और देवनागरी में जो र है उसको शो करता है। और ये जो थोड़ा सा जो चेंज किया गया था ना, इस चेंज को कब अपनाया गया बेटा? 2010 में। कब अपनाया गया? 2010 में। अभी एक बैंक का नाम आया है बेटा, क्या नाम आया है बैंक का? क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना कब हुई, ये आपको आपके क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? वेरी गुड। नेशनल सॉन्ग हो गया हमारा, नेशनल एंथम हो गया हमारा, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल और क्या हो गया, करेंसी, नेशनल रिवर। तो आज आपको सारे समझ में आए हैं बेटा सभी को? सच में बताना, सभी को समझ में आ गया क्या? और इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी हुए कि पहली बार कब गाया गया, इसका साइज कितना है, कौन सी असेंबली थी, कहाँ था ये अधिवेशन, ये सारा का सारा कब इसको अडॉप्ट किया गया। तो आज के लिए आपका इतना आपको समझ में आ गया, ये सभी जो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वे क्वेश्चन आपको किस में करने हैं, आपकी फेयर नोटबुक में आपको सभी को लिखने हैं। तो इसके साथ साथ और क्या हो सकता है वो देखें। नेशनल कैलेंडर सक क्या है?
नहीं है ना बेटा? ठीक है। जो हम महीने याद करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे याद करते हैं, उनके कुछ और नाम भी हैं बेटा। किसके अकॉर्डिंग? हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, अश्विन, कार्तिक, मंगसर,